तो मेरे लिए लेमन भिजवा उन्होंने दे। कमेंट किया था तो देख कुछ इस तरह। यो उन लोगों के लिए जो इतने स्किन केयर नहीं करते। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आज का मेन टॉपिक है स्किन केयर के बारे में, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसमें दूध ऐड किया, नींबू के कुछ कतरे, वॉश के हुआ नींबू। किसी के पास लेमन का दरख्त है ना तो मेरे लिए लेमन भिजवा दे, ठीक है। अगर किसी का लेमन जैसे भरा पड़ा है ना पानी से, सिर्फ 3 से 4 कतरे ऐड कर लें, ठीक है। अब इसको मैं 10 मिनट तक रखूंगी। तरह से मरमर का कपड़ा लें और इसको हल्का हल्का करके छान लें। क्लिनजिंग का बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों को दूध का तरीका मैंने बता दिया कि दूध को किस तरह छान के निकालना है वो करके, फिर छोटा सा कॉटन पैड उठाना है, इसको इस तरह दूध में डिप करना है, ठीक है, पूरे तरीके से डिप करके। ठीक है, आप इसको पूरे फेस पे अप्लाई करना है इस तरह से, इस तरह से पूरे फेस पे। इस ये है क्लिनजिंग। बहुत ही जो लड़कियाँ बोल रही थी ना अफोर्ड नहीं कर सकते हम क्रीम वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये बेस्ट वे है। आप क्लिनजिंग जो बोलते हैं ना ये इस्तेमाल करो, वो इस्तेमाल करो, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। इसको अच्छे से अपने फेस पे साफ करने के लिए बेहतरीन है। ये पूरे फेस का जो गंदगी है ना वो निकाल दे। यहाँ चेक करो सिर्फ आप लोग, हालांकि मैंने फेस वॉश किया था लेकिन आप लोग देख लें। ब्रश लें, थोड़ा सा लें और अपने लोशन पे इस तरह लिप्स हो जाएंगे, ठीक है। और डेली करना है, डेली जब भी बाहर जाएंगे लिपस्टिक लगाएंगे तो ज़रूरी है कि आपको लिपस्टिक लिप पे डेड स्किन होती है ना वो निकालने की। अभी मैं चलती हूँ क्योंकि यहाँ पे पहले तबाही हो जाए। बरी बिदेदा मनारा, इसको भी ब्रश करना है। ये सरा का ब्रश है इसके हाथ में है। चलो ये डार्क सर्कल्स का, मैं अभी नहीं बता सकती, उसके लिए मुझे कुछ टाइम दें क्योंकि 1-2 वीक के बाद फिर मैं आपको रिजल्ट बताऊंगी और रेमेडी के साथ, ठीक है। करने के बाद होता है ब्लैक हेड्स, ठीक है। बहुत सी लड़कियां हैं जिसे मैं ये यूज़ करती हूँ ब्लैक हेड्स, इसका रिजल्ट और ये अंडे वाले का रिज़ल्ट जो कि सेम है। ये मैं अभी लगा के आप लोग को अप्लाई करके दिखाती हूँ। मोस्टली लोगों को तो पता है कि इसमें लगता क्या है, कैसे लगता है, ये तो पता है ना कि टिश्यू के साथ लगता है। लाइक पहले हम लोग स्टीम देंगे नोज़ को, उसके बाद स्टीम कैसे देते हैं, टवाल जो होगा आप लोगों को टवाल लेके, अभी तो मैं मतलब यूज़ नहीं कर रही हूँ जैसे आप लोगों को बताने के लिए बोल रही हूँ, तौलिया ले छोटा सा, उसको पानी गर्म पानी में डिप करें, ठीक है, बॉयल वाले पानी में ज़रा सा डिप करें, फिर उसको ज़रा निचोड़ें, फिर अपने नोज़ के इस तरह लगाएं, ठीक है। लगाने के बाद जैसे हल्का हल्का पसीना होगा फिर इसको टिश्यू के साथ 1 कोड ये लगाएं, 1 कोड अंडे की लगा लें इस तरह, ठीक है। 1 कोड लगाने के बाद आप लोगों को लगाना है ब्रश के ज़रिए से लगा लें। मेरा ब्रश जो है बच्चों ने पता नहीं कहाँ रख दिया है जो कि गायब है, ठीक है ना। फिर इसको नोज़ के ऊपर लगाते जाएँ, ठीक है, जितनी ज़रूरत होगी उतना आप लोग लगाएं। बाहर की चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ, रखे पड़े हुए हैं ना, लेकिन मैं ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बलूची वाला स्टाइल हेलो हेलो हेलो, आप लोग सोच रहे हो परेशान अपना दुपट्टा चेंज किया, इसलिए चेंज किया क्योंकि बार बार गिर रहा था और माइक को आराम नहीं है, ठीक है। माइक इसलिए लगाया क्योंकि आवाज़ ख़राब होती है बार बार, और यहाँ जो कि ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकालूंगी कुछ इस तरह से।
पर कैमरा में पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन है। ठीक है, आप लोग अगर किसी के बहुत ज्यादा ब्लैकहेड्स हैं, लाइक बहुत ज्यादा, तो वो जो के यूज कर सकता है डेली। ठीक है, अगर किसी के काम में, वो वीकली यूज करे। ठीक है, यहाँ मैंने नोज को जो के तकरीबन साफ कर चुकी हूँ। इसके बाद आप लोग कोई सा भी मॉइस्चराइजर यहाँ मैंने लगा। लिया हुआ है स्क्रब के लिए 1 ½ टमाटर, जिसमें लिए चीनी और अनी, ठीक है, शहद। ये तो हर किसी के घर पे होगा, ये तो इजी है। ठीक है, इसको क्या करना है, पहले इस तरह से कट करना है, फिर चीनी को चीनी लगाना है लाइक इस तरह, फिर शहद को इस तरह उठाना है। ठीक है, फिर पूरे फेस को सर्कुलर मोशन में इस तरह स्क्रब करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके स्किन का सारा डेड स्किन जो है ना वो उतर जाता है। ये आप डेली करें, इससे आपको फायदा है। जब भी किचन में जाएं तो ये लाजमी करें, इससे बहुत ही आपके स्किन में ग्लो आ जाती है। और जो पिंपल्स वाले हैं ना, वो ये इस्तेमाल ना करें, जिनके स्किन में पिंपल्स हैं अभी भी वो इस्तेमाल ना करें, उससे वो होता है ना, तकलीफ़ होती है। और बात याद रखें, चीनी को मतलब के चीनी को ग्लैंड कर दें, पीस लें, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके स्किन में चुभेगा नहीं। ठीक है, मैं अब ये यूज़ करके आप लोग को बताती हूँ। पूरे स्किन को मैंने लगा लिया, अब इसको 5 मिनट के लिए मैं रखूँगी, फिर इसको वॉश करूँगी, फिर मैं आप लोग को मार्क्स बताऊँगी। और ये सी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आप लोग के किचन में मौजूद है, वो आप लोग इजीली कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को बड़े से बड़े महंगे स्क्रब हो, फिर आप लोग अपने स्किन को लगाओगे, स्क्रब के इंतज़ार में ना रहें। ये आप लोग के किचन में ज़रूर मौजूद है, ज़रूर जाके इस वीडियो के बाद ज़रूर जाके अप्लाई करें। और जिनको बोल रहे हैं ना चू वाक का, तो ये वाक होता है, तो स्किन में फ़र्क आएगा। उठें और ज़रूर ये ट्राई करें, और आप के आप लोगों को मतलब के रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगी, क्योंकि स्किन का जितना आप लोग ख्याल रखोगे ना, उतना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। वो होता है ना, जितना जिसको मोहब्बत दोगे वो उतना ही निखर आता है ना। तो हमारे स्किन, बाल, ये भी हमारे जैसे ही दिल रखते हैं, ऐसे ही सोचो, इनका भी ऐसे ही ख्याल रखो, तो इस पर भी फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, अब वो अंडा पर शिरकी नहीं रह गए, मैं जाके ट्राई करके फिर वॉश करूँगी, फिर आप लोगों को मार्क्स बताऊँगी। ज़रूरी नहीं है ये तीनों जो चीज़ मैं बता रही हूँ इन सबको एक ही दिन में करना, नहीं, जब भी आप लोगों को टाइम मिले एक चीज़ करना है। लाइक कभी नोज़ का कर लें, कभी लिप्स को साफ कर लें, कभी ये वाला स्क्रब ट्राई करें, कभी मार्क्स ट्राई करें। ठीक है ना, और बस इतनी छोटी सी आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि अपने अपना ख्याल रखें, अपने आप से मोहब्बत करें। ठीक है, आटा के मैंने मार्क्स बना लिया है, जिसमें डाला है मैंने मिल्क और टमाटर का जो पानी और आटा, सिर्फ 3 चीज़ों में ये बन चुका है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करूँगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इतने स्किन केयर नहीं करते, ये सारी जो रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये नेट पे बड़े पड़े हुए हैं। ठीक है ना, बस उठना है, करना है, ट्राई करो, ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा होगा। मैं ज़्यादातर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम, एक तो महंगे भी बहुत हैं, ऊपर से अगर यूज़ ना हुआ, अगर स्किन को ना लगा, उसकी अलग से तकलीफ़ होगी कि भाई इतनी बड़ी महंगी चीज़ हम लोग ने ले ली और हमें फ़ायदा भी नहीं हुआ, एक बात वो हो गई। इस वजह से बेहतर यही है कि बंदा ओम रेमेडीज़ जो भी होंगी, नेट पे तो बहुत ज़्यादा है, अगर हम लोग सर्च करने बैठे तो हम लोग पागल हो जाएंगे कि कौन सा हम लोग यूज़ करें। ठीक है ना, तो इस वजह से उन लड़कियों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, तो मैं इस वजह से बना रही हूँ। अगर ये इस वीडियो में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले ना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो बालों के बारे में ना, वो मैं बेहतरीन बना के आप लोगों को
फुल रिजल्ट के साथ बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी खैर मैं लगा रही हूँ अपने बालों में, तब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं रिजल्ट के साथ इसलिए बताऊंगी ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। अगर कोई चीज़ आप लोग जाके बाजार से ले रहे हो ना मेरे रिकमेंड से, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए नुकसान ना हो। अगर मुझे फ़ायदा हो या ना हो, क्योंकि मैं भी तो वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से मेरा तो वीडियो बन जाएगा, लेकिन फ़ायदा आप लोगों को होना चाहिए, मेरी कोशिश यही है। ठीक है, अभी बस अप्लाई करके सुखा के उसे नहीं समझ रहा, तो इस वजह से मुझे प्रैक्टिकल भी करके दिखाना होता है। और एक और बात ज़रूरी बताती चलूँ, मैं इस फेस के साथ ही बता रही हूँ, और इस फेस के साथ इस वजह से बता रही हूँ ताकि वो लोग देखें जो कमेंट्स करने आ जाते हैं, वो भाई लोग, ठीक है, के तो बलोची में उन्होंने कमेंट किया था, तो दिगरानी जनीना ना गनो कने, लाइक अपनी चीज़ें दिखा के, अपने वीडियोस दिखा के, अपने कपड़े दिखा के। तो ये वीडियो मैंने उन सब भाइयों के बीवियों के लिए मैंने बनाया है, ताकि आप लोगों के कुछ पैसे बच जाएं और वो घर में ऐसी रेमिडीज़ बना के अपने स्किन पे लगाएं और पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, फेशियल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े उनको, ठीक है ना। तो इस वजह से उनके लिए ये वीडियो है, और जो जिन्होंने कमेंट किया वो तो समझ ही रहा होगा, पता नहीं कौन है, मेरे कमेंट्स में जाके चेक करना। तो दिख रहा नहीं जनीना गानों करता, तो ऑफकोर्स मनी वीडियोज अमन छे करना मनी कार ये चीज़ तो हमें बजाय छे, तो बस समझ तो थी जनीना ना पेज दार ए वीडियो वा भी के मन मर्ची ए इसी गुआरे बिचार मर्ची फेसरो वती गिसे सामान जता, तो भी बोरो वती किचन अस्ती किसे सामान बुजू थी देमा भेजा। सही है, सामान मतलब जैसे चमाटा जैसे चमाटा शीर देखे शकर माखी अमे चीज़ जाना, सही है ना। इस तरह से रब करके फिर फेस वॉश कर दें, और ये देख लें सर्दियों में मैं ड्राई वाला यूज करती हूँ, मतलब ड्राई जब मेरा बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है ना स्किन, तो मैं ये वाला यूज करती हूँ गर्मी में मैं ये, ठीक है, ये ऑयली है और ये ड्राई स्किन वालों के लिए, ये ऑयली स्किन वालों के लिए आप लोग देख सकते हो। और ये मतलब के बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, ये अफोर्डेबल है, मतलब इतना महंगा नहीं है। कुछ चीज़ें जो कि लेनी पड़ेगी आप लोगों को, हर चीज़ घर पे नहीं होगी, जो लोग पूछ रहे थे। और एक है जो बोल रहे थे ना मतलब दाग हो जाते हैं, जैसे कि मेरे तो पिंपल्स के जो मतलब शदीद वाले दाग हुए थे ना, वो मैंने ये पेंडल्स के ऐसी, ये भी आप सेम कंपनी है, आप लोग किसी भी मतलब शॉप मेडिकल स्टोर से मंगवा सकते हो, ठीक है। इसको लगाना कैसे है, इसको बस इस तरह से ड्रॉप करके अपने आंख पे इस तरह लगाना है, फिर जहां पे आपका लाइक जहां पे आपको लगे कि पिंपल्स के निशान है, लाइक नोज के यहाँ ना ब्लैक ब्लैक होते हैं, बहुत लोगों के यहाँ पर ब्लैक हो जाते हैं ना, तो उनके लिए यह है कि वो इस तरह रब करके उनको इस तरह से टैप टैप करें, बस जहां ब्लैक है जहां पर पिंपल्स होंगे बस वहां टैप टैप करें, ज्यादा पूरे फेस को मलना नहीं है, बस जहां आपका स्किन पे लगे के दाने हैं, दाने के निशान पे, और किसी के ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं लाइक यहाँ पे, तो उसके लिए ये बेस्ट रिजल्ट है। आप तकरीबन एक मंथ तक लगाए ना आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। ये सीरम मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि कभी कभार पिंपल्स तो आ जाते हैं, कहीं का कुछ जाना हो तो वो आ जाते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के बाद मैं लाजम ये यूज करती हूँ। देखो लिखा हुआ है एंटी एक्निक है, स्किन को ब्राइट भी रखती है और रिंकल्स के लिए भी है, ठीक है। अभी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी इसको, ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और इसके बाद है ये मैं यूज करती हूँ, जो मुझे जानते हैं तकरीबन डे वन से मुझे जीरो सब्सक्राइबर से जो लोग मुझे जानते हैं, तो ये मैं यूज करती ही करती हूँ इसका, मतलब कभी भूल भी जाऊँ ना
तो वीकली या मंथली जरूर मैं अप्लाई करती हूँ। इसका क्या है, 1 2 3 तीन ड्रॉप डेली रब करके पूरे स्किन को लगाना है। ये बहुत ही मतलब रीजनेबल प्राइस में है, ये 3 से 4 महीने आराम से चल जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग ये ना बोलें कि इतना महंगा, नहीं बहुत महंगे चीजें मैं नहीं बता रही, बिल्कुल अफोर्डेबल मतलब चीजें बता रही हूँ, ठीक है, जो आपके पॉकेट बजट है और किचन के हिसाब से है। जो मेरी जो मैं यूज करती हूँ वो मैंने बता दी आप लोगों को। और अपने लिप्स पे जरूर बाम वगैरह अप्लाई करें जब आप लोगों को ब्रश करने के बाद, जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है पानी पीना, आप लोगों को पानी इतना पीना है कि आपके स्किन में मतलब ड्राइनेस ना हो। और लिप्स से जो ड्राइनेस पता चल जाता है क्योंकि ओंठ पट जाते हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आप खाना क्या खा रहे हो, आप ऑयली चीजें बिल्कुल अवॉइड करें, जो जिसके पिंपल्स बहुत है ना वो ऑयली चीजें ना खाएं, क्योंकि ऑयली चीजें खाने से भी बहुत। और कुछ लोग शुगर, एक मेन पॉइंट है हमारे जिस्म के लिए शुगर, शुगर को जितना आप लोग कम करोगे ना उतना ही आप लोगों को फायदा है। और मैं डिटेल वीडियो भी बताऊंगी, अभी मैं अपने वेट लॉस जर्नी में हूँ और इंशाल्लाह जब मैं अपने गोल पे आऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों से सब कुछ शेयर करूंगी। और आगे वीडियो आएगी बालों के बालों के हिसाब से, जो बालों के बारे में पूछते हैं ना उनको मैं बताती चलूँ, क्योंकि बालों का बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा कुछ है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे थे और एक ट्रीटमेंट करने के बाद मेरे बालों में बहुत अच्छी सी रिजल्ट आ गई है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मगर है कि ये है जिनकी शादियां हो रही है, शादी हो रही है सॉरी, जिसके घर पे शादियां हो रही है, सिस्टम मतलब के शादी वगैरह का, तो ये इवनटोन का सी ये भी बहुत जबरदस्त है। ब्राइड टू बी जो भी है वो ये जरूर अप्लाई करें, अपने शादी से 1 महीने पहले से अप्लाई करें, ताकि उनका स्किन में जो भी मतलब लाइक वो बोलते हैं ना क्या, ब्लैक ब्लैक होते हैं ना, ये जल्दी रिजल्ट दे देता है। ये थोड़ा मतलब थोड़ा 2000 तक का होगा, ठीक है, ये 2000 तक होगा, मगर आप लोग अपने बजट देख लें और खरीद लें, ठीक है। और जितना मुझसे होगा मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी। और क्या मैं बता रही थी, ये अलवेरा जेल, किसी के पास इन चीजें खरीदने के लिए मतलब पैसे नहीं होंगे ना, इट्स ओके, टेंशन ना ले, ठीक है, अपने आप पे बर्डन ना ले कि मैं अब इसके लिए पैसे जमा करूं, ये ले लूं। अगर ये नहीं है तो सबसे बजट फ्रेंडली बजट में ये है अलवेरा जेल, जरूरी नहीं है ये कंपनी का हो, आप लोग ये भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें है आप फ्रेश भी ले सकते हो, ठीक है ना। आप फ्रेश में क्या है, आपको सारा उसका जेल निकालना है, अच्छे से ब्लेंड करना है। उसका यह है कि आप लोग लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते हो तो खराब हो जाएगा, तो बेहतरीन है कि आप लोग ये ले लें, ठीक है। इसका क्या है कि आप अपने स्किन को डेली डेली मतलब दिन में 3 बार आप लोगों को अपना फेस वॉश करना है, अच्छे से फेस वॉश करना है, वरना आपका स्किन जो है बिल्कुल ही जो मेल चेल होगा ना वो जम मतलब अंदर फंस जाएगा, तो वो ही पिंपल्स बनेंगे और आपका चेहरा, पहले मेरे भी पिंपल्स बहुत ज्यादा थे तो मैंने यूट्यूब गूगल सारा ब्लॉगर सारे सारे चैन तान के मैंने कुछ अपने पर मतलब वक्त निकाला, ठीक है। मेन चीज है आपको अपने लिए टाइम निकालना, अपने स्किन केयर के लिए टाइम निकालना, अपने बालों के केयर के लिए टाइम निकालना, अपने लिए टाइम निकालना। हम लोग जो खासकर सब सब औरतें होती हैं लाइक बच्चा पैदा करने के बाद वो सोचती हैं कि हमारी जिंदगी हो गई खत्म, खलास, बस बच्चा पैदा किया, घर संभाल रहे हैं, मियाँ संभाल रहे हैं, बस हमारी लाइफ यहीं पे एंड हो गई, बस खत्म, बस कुछ नहीं। खासकर हमारे कॉस्ट के लोग लाइक बलोचो के बहुत से मेरे गैदरिंग के कुछ हैं मतलब है, फैमिली में भी है, उनको देखती हूँ तो मुझे मतलब ये होता है, वो सुबह उठती है लाइक सुबह उठते ही अपने बच्चे के केयर करने स्टार्ट करती है, ताकि दिन तक अपने ससुराल के खिदमत करके फिर रात में तक हार के वो बंदी सो जाती है, ठीक है। अब उनको समझाना यह है कि मैं इस वीडियो से उनके पास एक मैसेज सेंड कर रही हूँ, वो मुझे सुन रही है, तो प्लीज अपने लिए सिर्फ 20 मिनट्स निकाले,
20 मिनट से 20 मिनट निकालें, उसमें क्या है आप अपने स्किन केयर सिर्फ फेस वॉश करें और ठंडा सा पानी पिए, वो भी दिन के टाइम। खाना खा लिया, लेटे, लेटने के बाद थोड़ा उठे, 4 से 5 बजे के दरमियान जरूरी आप लोग अपने पानी पीना जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है वो भूल जाती होंगी अपने बच्चे मियाँ ससुराल के बीच में, ठीक है ना। पानी पिए क्योंकि वो चिड़चिड़ी भी हो जाती है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैं जब भी किसी को चिड़चिड़ापन में देखती हूँ मैंने बोलते हैं आप डिहाइड्रेटेड प्लीज पानी पीने, आप सुकून में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप अपने लिए 20 मिनट निकालें, उसमें अपने स्किन केयर करें, अपने बालों का सोचें कि बाल गिर रहे हैं किस पोजिशन में, ठीक है। बालों का ये है कि आपको बालों को चेक करना है कि आपके बालों में कैसा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि बालों को तोड़ा तोड़ के पानी में डाल के किस तरह चेक करना है कि आपके बाल किस तरह है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी टॉपिक है स्किन का। सबसे पहले है पानी पीना, और आपके पास फ्रूट है आप फ्रूट का खा सकते हैं, जो भी फ्रूट सीजन के हिसाब से फ्रूट मिल रहा है वो खा लें, ठीक है ना। अब ये है कि हम लोग स्किन पे लगाने से बेहतर है हम लोग खा लें, जब खाएंगे जब ब्लड पे मतलब सर्कुलेशन होगा, ब्लड साफ होगा, हमारे स्किन में कुदरती तौर पर एक अलग सी रंगत आ जाती है, ठीक है ना। लगाने से कुछ नहीं होता, हमारे पास सारा जिंदगी मतलब पूरे साल गस्ते अपने ससुराल में जब किसी की एक की इवेंट आती है तो जाके फॉलर के सामने बैठते हैं तो बोलते हैं हमें मतलब व्हाइट कर दो, सफेद कर दो, ठीक है ना, समझ रही है। फाउंडेशन लगा के अपने आप को सफेद कर लेते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने स्किन को इतना ख्याल रखें कि कल को आप अपने आप से मोहब्बत करें, जब मिरर के सामने तो शीशा के सामने आप खड़ी होंगी तो आप अपने आप से बोले कि आप अपने आप से मोहब्बत करती हैं, तो ये आप यहीं से आपका चेंज आएगा, जब आप अपने आप को पूछेंगी आप अपने आप से मोहब्बत करती हैं, क्योंकि आपकी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि आप अपने आप से मोहब्बत करती हैं, ठीक है। बस यही बात है, और इंशाल्लाह होप कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस आएंगी, तो प्लीज ये है कि सपोर्ट कर, सारा लेक्चर दे दिया, ठीक है ना। अगर आप न्यू है मेरे यूट्यूब में तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, फर्स्ट टाइम देख रही है वेलकम मेरे ब्लॉग में, और इसे छोटे छोटे क्लिप्स में ऐड करती जाऊंगी अपने रूटीन्स के, क्या मैं यूज करती हूँ क्या नहीं, ठीक है ना। और बस बजट फ्रेंडली मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगी, मतलब इसको कट कर दो, ये आप लोगों के काम का नहीं है। जो मेरे सब्सक्राइबर है ना वो बहुत ही मतलब मुझे मैसेज करते हैं इंस्टा में, मुझे बहुत ही दुख होता है जब वो अपनी स्टोरीज मुझे सुनाती हैं। ज्यादातर लड़कियां हैं जो अपनी लाइफ से बेजार हैं, आप ही हम लोग क्या करें, आपके ब्लॉग का वेट कर रहे हैं आप, प्लीज एक ना एक ब्लॉग अपलोड करें, आपको देखकर ही हमें हिम्मत आती है। मैंने कहा अल्लाह शुक्र है कोई तो है जो मुझे देखकर हिम्मत ही करे। 3-4-5 से लड़कियां हैं वो बहुत ही अच्छी है, और इंशाल्लाह 10K के बाद मैं जरूर जरूर गिव अवे करूंगी, जो वो बोल रही है कि गिव अवे करेंगी तो हमारा नाम जरूर ले, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 10K सब्सक्राइबर के बाद मैं बड़ा सा गिव अवे रखूंगी, उस पर वो 5 लड़कियों के नाम तो पहले से मैंने ऐड कर लिए हैं, और बाकी इंशाल्लाह जो सब्सक्राइब शेयर वो शेयर करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करती है ना मुझे, मैं बोलती हूँ नहीं मैं ऐसा नहीं, जो जो जिसका लक होगा ना उनको ही मिलेगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप शेयर कर रहे हो नहीं शेयर करो भी मसला नहीं है, जिसका लक होगा उनको मिलेगा। और एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है कि मुझे प्लीज परफ्यूम सेंड कर दें, तो उन्होंने मुझे अभी तक अपना एड्रेस सेंड नहीं किया ना ही अपना नाम सेंड किया है, तो प्लीज वो काइंडली उनको मैं यही मैसेज कर रही हूँ, तो वो देख रही है तो प्लीज अपना नाम और एड्रेस सेंड कर दें ताकि मैं आपको अपनी अमानत सेंड कर दूं, ठीक है ना। यहाँ तक थी मेरी वीडियो, आप लोगों को पसंद आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी बालों के लिए, और बस इतना तक था मेरा वीडियो, अल्लाह हाफिज, पानी पीना ना भूलिएगा, तब अल्लाह हाफिज।